किन्नर का भूत। रिया और पल्लवी 2 साल से फ्लैटमेट्स हैं। दोनों अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। पल्लवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे वाह मेरी जान, आज टिफिन में पनीर टिक्का। मेरा तो मन कर रहा है मैं यही खा जाऊं सब। अरे ये टिफिन के लिए है, ब्रेकफास्ट में सैंडविच बनाया है वो खा ले। पल्लवी आई लव यू, अगर तू नहीं होती ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्या होता, तू होटल से खाना मंगा कर खाती और क्या। वो भी है, पर तूने मेरे इतने सारे पैसे बचाए। चल चल अब बातें मत बना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वहाँ मेरी मैनेजर मेरे नाम से चिल्ला रही होंगी। बाय। रिया और पल्लवी फ्लैटमेट्स के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे। उस दिन जब रिया ऑफिस में थी तब ममता उसके पास आई। अरे रिया मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, तू भूली तो नहीं ना। क्या, मुझे पता था तू भूल जाएगी। आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है और शाम को मेरे घर पार्टी है, तुझे जरूर आना है। अरे यार मैं तो सच में भूल गई थी। अब बहाने मत बनाना, शाम को 7 बजे आ जाना। शाम को रिया ऑफिस से ही ममता के साथ चली गई। रिया को पार्टी से निकलते निकलते 11 बज गए। उसने ममता को बाय बोला और ममता के घर के बाहर खड़ी हो गई। लगता नहीं इतनी रात को कोई ऑटो मिलेगा, मैं ओला ही बुक कर लेती हूँ। रिया अपने फोन में ओला कैब बुक कर रही थी और बस तभी वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज होने लगी। हवा अचानक से तेज हो गई, पत्ते मिट्टी सब यहाँ वहाँ उड़ने लगे। रिया को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था, वो डर गई। रिया यहाँ वहाँ देख रही थी तभी उसे फिर से लगा कि कोई है। कौन है वहाँ, कौन है। रिया की नजर एक पीपल के पेड़ पर गई जहाँ उसे एक काला साया दिखा। अंधेरे में रिया को कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। वो नजदीक गई और अचानक से कुछ हुआ, हवा थम गई। रिया ने जब अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और बस तभी सामने से तेज रोशनी के साथ एक ओला कैब आ गई। रिया ओला कैब में बैठ गई। रिया कैब की पिछली सीट पर एकदम शांत बैठी थी। ड्राइवर ने रिया को 2 बार मिरर से देखने की कोशिश की और जब तीसरी बार ड्राइवर ने मिरर से देखा तो रिया ने अपनी आंखें खोली और बेचारा ड्राइवर डर गया। फिर ड्राइवर ने चुपचाप कैब रिया के घर के बाहर रोकी। रिया गाड़ी से नीचे उतरी, उसने अपने पर्स से पैसे निकाले और ड्राइवर के मुंह पर फेंक दिए। ड्राइवर पहले से डरा हुआ था, वो वहां से 9:11 हो गया। रिया अपने फ्लैट पर गई और डोरबेल बजाई। वो लगातार 3-4 बार डोरबेल बजाती रही। आ रही हूँ, आ रही हूँ, मेरी माँ। जैसे ही पल्लवी ने दरवाजा खोला रिया अंदर चली आई। तुम पहले नहीं बता सकती थी क्या कि तुम पार्टी में जा रही हो, खाना खाकर आओगी। मैंने बेफिजूल ही इतना खाना बनाया, सब वेस्ट हो जाएगा। मुझे भूख लगी है। तुमने पार्टी में कुछ नहीं खाया। मुझे भूख लगी है। तुम पार्टी ही गई थी ना। तुमने सुना नहीं, मुझे भूख लगी है, खाना दो। रिया को चिल्लाते सुन पल्लवी डर गई। उसने तुरंत सारे खाने के बर्तन डाइनिंग टेबल पर रख दिए और साइड में खड़ी हो गई। फिर रिया ने एक प्लेट उठाई और उसमें ढेर सारे चावल और चिकन की ग्रेवी भर ली। फिर रिया वो प्लेट लेकर जमीन पर बैठ गई। ये रिया को क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठ रही है और ऐसे पूरे हाथ डालकर क्यों खा रही है। जब रिया खाना खा रही थी तो पल्लवी उसे घूर रही थी। तुझे भी भूख लगी है। नहीं नहीं मैंने खा लिया। तो घूर क्यों रही है। फिर पल्लवी सोफे पे जाकर बैठ गई। उसने देखा कि जैसे ही रिया का खाना खत्म हुआ उसने प्लेट में ही अपने हाथ धो लिए। पल्लवी को ये सब अजीब लग रहा था, वो परेशान थी। फिर रिया अपने रूम में चली गई और उसने दरवाजा पटक कर बंद कर लिया। कुछ देर तक पल्लवी वहीं बैठी रही सोचते हुए और फिर वो भी अपने कमरे में चली गई और सो गई। अचानक आधी रात को पल्लवी को घुंघरुओं की आवाज आने लगी। वो उठकर बैठ गई। इतनी रात को घुंघरुओं की आवाज, रात के इस वक्त को कौन डांस प्रैक्टिस करता है। जब पल्लवी ने ध्यान से सुना तो वो आवाज उसके ही घर से आ रही थी। अब पल्लवी डर गई थी। उसने डोर को थोड़ा सा खोला और हॉल में झांकने लगी। हॉल का मंजर देखकर पल्लवी की आंखें फटी की फटी रह गई।
हॉल में रिया साड़ी पहनकर श्रृंगार करके नाच रही थी। पल्लवी को पता था कि ना तो रिया को साड़ी पहनना आता है और ना ही क्लासिकल डांस करना। जरूर रिया के शरीर में कोई और है, लेकिन अब मैं क्या करूं? यहाँ हॉल में रिया नाचते नाचते कभी रोती तो कभी जोर जोर से हंसती और हंसते हंसते दीवार पर चलते हुए छत पर चलने लगी। ये सब आवाजें सुनकर पल्लवी को बहुत डर लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पल्लवी ने अपना रूम अंदर से लॉक कर लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। सूर्योदय हुआ और पल्लवी ने तुरंत अपने रूम का डोर खोला। उसने देखा कि रिया वहीं जमीन पर बेहोश थी। पल्लवी दबे पांव घर से बाहर आ गई और फिर पल्लवी पहाड़ी वाले मंदिर जा पहुंची। वहां वो बड़े पंडित जी के पास गई और उन्हें रिया के बारे में सब कुछ बताया। ये सब कब से हो रहा है? कल रात से। और जैसा तुमने बोला, लगता है कोई बुरी आत्मा उसके भीतर घुस गई है। अब मैं क्या करूं? डरो मत बेटा, मेरे पास इसका इलाज है। तुम्हें आज रात होने से पहले तुम्हारी दोस्त को यहाँ लाना होगा। देवी के सामने उस आत्मा की शक्ति नहीं चलेगी। मैं उसकी शुद्धिकरण पूजा करके उस आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दूंगा। ठीक है, मैं उसको लेकर आती हूँ। इतना आसान नहीं है, वो आत्मा उसे यहाँ नहीं आने देगी। तो अब मैं क्या करूँ? पंडित जी ने अपने झोले से एक काला कपड़ा निकाला और उस पर कुछ मंत्र पढ़े। ये मंत्रों से सीधा कपड़ा है, ये जाकर अपनी दोस्त की आंखों पर बांधो, फिर तुम जहाँ बोलोगी वो तुम्हारे साथ आएगी। ठीक है पंडित जी। पल्लवी वो कपड़ा लेकर घर तो जा रही थी, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। मैं ये कपड़ा कैसे रिया की आंखों पर बांधूंगी? अगर उसने मुझे मार दिया तो? डरी सहमी पल्लवी घर पहुँची। उसने बेल बजाई और रिया ने दरवाजा खोला। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? तेरे लिए सरप्राइज प्लान करने। क्यों? क्योंकि तेरा बर्थडे है आज, और बर्थडे पर सरप्राइज ना हो तो क्या मजा। कहाँ है मेरा गिफ्ट? उसके लिए थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे ले जाती हूँ तेरे सरप्राइज तक। इतना बोलकर पल्लवी ने रिया की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये क्या? पट्टी बांधते ही रिया शांत हो गई। फिर पल्लवी रिया को लेकर पहाड़ी वाले मंदिर पहुंची। यहाँ पंडित जी ने रिया को एक चक्र के बीच में बैठा दिया और उसकी पट्टी खोली। रिया छटपटा रही थी। हे पंडित, छोड़ दे मुझे। पंडित जी का ध्यान मंत्र पढ़ने में था। वो जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे, रिया के अंदर घुसी हुई आत्मा छटपटाने लगी। छोड़ दे मुझे पंडित, तू इस बच्चे में क्यों घुसी है? रिया किन्नरों की तरह ताली बजाने लगी थी। क्योंकि तेरी मर्जी। तो तू एक किन्नर है, मुझे लगा था कोई औरत होगी। किन्नर क्या औरत से कम है क्या? खैर पंडित, ये सब तेरी समझ के बाहर है। मुझे छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे धमकी दे रही है, वो भी देवी माँ के सामने। पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया और किन्नर की आत्मा तड़पने लगी। जैसे जैसे पंडित जी ने मंत्र पढ़े, वो आत्मा कमजोर होने लगी और फिर पंडित जी ने उस आत्मा को एक बोतल में कैद कर लिया। रिया बेहोश हो गई। पंडित जी ने रिया के गले में एक धागा बांधा और कुछ देर बाद रिया को होश आ गया। पल्लवी और रिया पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले गए। पंडित जी भी अपने काम में व्यस्त थे कि तभी अचानक वो बोतल जोर से फूटी। उस बोतल का एक कांच सीधा पंडित जी के गले में घुसा और वो वहीं मर गए। बोला था ना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी।